एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक है वो आपके ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं देना चाहती हूँ। आप सब जो है मेरे से ये पूछते हैं कि वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हमें आ रही है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो उसे रिलेटेड मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? वाइट डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि जब हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ टाइम बाद, तो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो है वो उसका जो वेस्टेज होती है वो थ्रो हो जाती है। तो एक तो हमें उस वजह से भी पानी जो है निकलता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने के बाद हमें एंटीबायोटिक्स हमें काफ़ी सारी दी होती है। एंटीबायोटिक्स देने की वजह से हमें वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज के बहुत सारे कारण होते हैं। प्रेगनेंसी में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसमें स्मेल वाला वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कई बार ऐसा होता है कि जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, अगर उसके अंदर स्मेल आती है, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कपड़ों में से भी हमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हम बार बार चेंज करते हैं, हमें एक दो बार जैसे दिन में चेंज करते हैं तो हमें उन कपड़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये हम अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका एक होम रेमेडीज़ ये भी होता है, और डॉक्टर भी हमें इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम अपने डॉक्टर को कन्फर्म करेंगे। अगर हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो देखिए वो पूरी प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल माना जाता है, उसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें जो है हम ये सोचते हैं कि वाइट डिस्चार्ज इसलिए हो रहा है, कई बार माइंड में आता है, क्योंकि जैसे ही हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारा बीटा HCG पॉजिटिव आ जाता है, तो बीटा HCG जो होता है, बीटा HCG क्या होता है, जो हमारी किट के अंदर आता है, वो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है। तो वो एक एमनियोटिक फ्लूड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो वो हम ये सोचते हैं कि शायद इस वजह से हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, 3rd-4th month स्टार्ट हो जाता है हमें, तो वो जो है वाइट डिस्चार्ज अगर हमें हो जाता है तो हम घबराना शुरू कर देते हैं। कहीं ये सोचते हैं कि वो एमनियोटिक जो फ्लूड है वो तो नहीं बाहर आ रहा है, कहीं जो बच्चे की जो जिसके अंदर जो बेबी रहता है, जो थैली होती है, जो उसका घर होता है, उसके अंदर जो है पानी होता है वो तो नहीं बाहर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। एमनियोटिक फ्लूड जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी थोड़ी हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी जो है निकलनी शुरू हो जाती है। हाँ, हमें ट्रिपलेट्स हो रहे हैं या ट्विन्स हो रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो है वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब कि अगर वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उसमें स्मेल नहीं आ रही, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रेगनेंसी के अंदर होना नॉर्मल माना जाता है। और इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको जो है टॉयलेट के थ्रू वो सारा का सारा जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे अगर उसके अंदर कोई स्मेल आ रही है या टॉयलेट के अंदर यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा। उसे आपको एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जब बीटा HCG पॉजिटिव आ जाता है तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारी बॉडी पर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, हमारे बेबी को उससे नुकसान हो सकता है। तो हम ऐसी एंटीबायोटिक भी डॉक्टर हमें देने से मना करते हैं। जैसे कोल्ड कफ होता है तो हमें उसको अवॉइड करना होता है, जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि पैरासीटामोल वगैरह हम ले सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, और अगर लेनी भी होती है तो हमें जो है बहुत रेयरली, अगर हम उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तभी हम लेते हैं उस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसे बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास बार बार आते हैं कि मैम इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है। और कई बार हमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद जब ब्लीडिंग ख़त्म होने वाली होती है, मतलब कि अगर
जैसे मेरे को स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 मंथ ब्लीडिंग रही है, तो ब्लीडिंग होने के बाद फिर से हमें जो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है उसके अंदर हल्की हल्की सी ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल जो हमारा जो डिस्चार्ज होता है वो इस तरह का होता है, बिल्कुल रेडनेस वाला डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि वो ख़त्म हो रही है। वो मतलब कि जो उसके साथ जैसे हमें ब्लीडिंग होनी शुरू होती है तो जो हमारा जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ मिलकर वो रेडनेस वाला जो ब्लीडिंग होती है वो उसके साथ मिलकर आती है, तो वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो ख़त्म होने वाली होती है। वो जैसे ही हमारी ब्लीडिंग का फ्लो ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो उसके 4-5 दिन तक वो हल्का हल्का होता रहता है, तो उससे भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपके ये वाले डाउट्स भी आज क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।